अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, शर्जील खान कौमी टीम में वापस आ सकते हैं। शुएब अख्तर ने भी खामोशी तोड़ दी। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्त भी शर्जील खान के चाहने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जैन टीवी को नहीं किया सब्सक्राइब तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बिल्कुल फ्री में जैन टीवी को कर दें सब्सक्राइब और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के मायानाज साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने कहा कि शर्जील खान की कौमी टीम में वापसी के अमकान हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 5वें एडिशन के ड्राफ्ट में शर्जील खान को मुंतखब किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक शुएब अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान को एक धुआंधार बल्लेबाज की ज़रूरत है। दोस्तों, जिसकी जरहाना बल्लेबाजी को देखकर दीगर ओपनर भी इनका तर्ज अमल अपनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये चीज़ पाकिस्तानी टीम का माइंडसेट बदल सकती है। दोस्तों, वाजह रहे कि शर्जील खान हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के एंटी करप्शन यूनिट के एक इम्तहान में नज़र आए। दोस्तों, जहां इन्होंने तहरीरी तौर पर टेस्ट दिया और इसमें कामयाबी हासिल की। दोस्तों, जिसके बाद इन्हें बहावरपुर, शेखापुर और कराची जाकर सूबाई सतह पर होने वाले यूथ यूनिट में जूनियर टीमों को लेक्चर देने को कहा गया। दोस्तों, क्या शर्जील खान को कौमी टीम में वापस आना चाहिए या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक जैन टीवी को नहीं किया सब्सक्राइब तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बिल्कुल फ्री में जैन टीवी को कर दें सब्सक्राइब और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।